एक दिन शहजाद ने मुझे कहा कि यार हमें गरीबों के लिए बहुत सोचना है, हमें काम करना है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। कह रहा है यार सिंध क्लब आ जाओ। बोला नाश्ते पे बात होगी। और ये तो समझता रहता कि उसके लिए सिंधी आना जरूरी है। मैंने कहा नहीं, एक दफा एक साहब ने कहा कि तुम लोग इतना वो करते हो, मतलब खान साहब पे, आइंदा जो है ना जितने लोग बाहर रहते हैं ना वो अगर पैसे ना भेजे तो चलेगा भी नहीं। तो मैंने शहजाद को कहा तू तो बाहर जाता रहता है, ये ना हो जाए। कह रहा है भाई ये जो पैसे भेज रहा है ना, ये भेज रहा है गाँव में अपने अब्बा को की दायमी खांसी के लिए। कह रहे इससे मुल्क को कोई फायदा नहीं। हाँ ये तो ताना पड़ता है कि बाहर से काम पैसे बंद हो जाएंगे तुम लोगों की वजह से। लुक एट दिस प्रिविलेज राइट, कि अभी बीच में पाकिस्तान में मसले मसाइल हो रहे थे, ओवरसीज पाकिस्तानी का एक ग्रुप था, देयर लाइक तुम लोग भूखे मर जाओगे, रोटी खाने को नहीं होगी, हम रेमिटेंस बंद कर देंगे। अब लुक एट द अमाउंट ऑफ प्रिविलेज दैट देयर कमिंग फ्रॉम, देयर हैप्पी फॉर पीपल इन पाकिस्तान टू डाई हंग्री जस्ट बिकॉज दे फील एन एफिनिटी टुवर्ड्स अ सर्टेन लीडर। खुद वो लाइफ अपनी जबरदस्त इंजॉय कर रहे हैं, सोशल सर्विसेज इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे वो चाहते हैं लोग भूखे मर जाएं। सो दिस नीड्स टू बी मॉक्ड 100%। इसके काफी ओवरसीज नाराज भी हो जाते हैं मुझसे इस बात पे। अच्छा शहजाद बहुत अच्छे आदमी है। एक दिन शहजाद ने मुझे कहा कि यार हमें गरीबों के लिए बहुत सोचना है, हमें काम करना है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। कह रहा है यार सिंध क्लब आ जाओ। बोला नाश्ते पे बात होगी। बहुत कर रहे हैं हम लोग। वैसे तुम लोग गए हो कभी सिंध क्लब? बाहर से बहुत देखा है। हाँ। और ये तो समझता रहता है कि उसके लिए सिंधी आना जरूरी है। मैंने कहा नहीं, उसके लिए तुम्हें वहां पैदा होना जरूरी था जहां तुम नहीं हुए, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा मुझे बता, ये ओवरसीज पाकिस्तानी मिलता है तुम्हें? ओवरसीज पाकिस्तानी से बिल्कुल कभी, क्योंकि मैं बाहर गया ही नहीं कभी। नहीं वो जब पाकिस्तान अगर कोई आए, पाकिस्तान आए और वो बड़े मैं कहता हूँ इंटेलेक्चुअल लोग, आप भी मेरे ख्याल 3 साल पहले ही आई है। नहीं यहीं पर रहती हैं, मजाक कर रहा था। लेकिन ये है कि वो अभी पिछले दिनों मेरी एक से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा यार तुम आदिल राजा को सुना करो। हाँ सही बात है। मैंने कहा क्यों? कह रहे हैं वो जो बातें बता रहे हैं ना। मैंने कहा वो कहाँ से बता रहे हैं, वो खुद बाहर है भाई। हम यहाँ हैं, हमारी सुन लो। कह रहे नहीं आदिल ठीक कह रहे। हाँ ये आदिल अंडर सी पाकिस्तानी यूट्यूबर की कोई कदर नहीं है ना। हाँ ये बात, अंडर सी ओवरसीज की है। हाँ ये बात ठीक है, शार्क वाला अंडर सी।